सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीशा टीचर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है गुच्ची स्कूल जाएगी। यह कहानी बचपन बचाओ आंदोलन से प्रेरित है। बचपन बचाओ आंदोलन का उद्देश्य बच्चों के हित एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी ने की थी और इसकी शुरुआत लगभग उन्होंने सन 1980 से की थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने 80,000 से भी अधिक मासूमों की रक्षा इस आंदोलन के द्वारा किया है। तो चलिए आगे जानते हैं हम अपनी इस कहानी के विषय में। गुच्छी और उसकी माँ दोनों ही बुलबुल के घर में नौकरानी का कार्य करती थी। नौकरानी जो हमारे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन सब्जी काटना इस तरह के कार्य को करती है। एक दिन बुलबुल ने देखा कि गुच्छी अपनी माँ के साथ बर्तन साफ कर रही है, तो बुलबुल ने गुच्छी की माँ से कहा, अरे ओ गुच्छी की माँ, इतनी ठंडी में तुम गुच्छी से बर्तन धुलवा रही हो, उसमें भी उसकी फ्रॉक भी फटी हुई है। गुच्छी की माँ ने कहा, यह मेरी मदद कर रही है। तो बुलबुल ने कहा, अभी तो इसका उम्र विद्यालय जाके शिक्षा ग्रहण करने का है, ना कि ये छोटे मोटे काम करना। हमने सुना है कि छोटे बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। गुच्छी की माँ ने कहा, यह सब बातें तुम्हें कौन बता देता है? बुलबुल ने कहा, हमारी मैडम ने कहा है। मैडम ने कहा है यह वर्ष बाल वर्ष है, इस वर्ष में हमें ध्यान देना है कि कोई भी छोटे बच्चों से काम न कराए और छोटे बच्चों को विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना है। गुच्छी की माँ ने कहा, अच्छा ये बात है, और इनका दाखिला विद्यालय में कैसे होगा? बुलबुल ने कहा, उसकी चिंता तुम न करो, यह दाखिला सरकार मुफ्त में ही कर देगी और साथ ही साथ इसे पुस्तकें और यूनिफॉर्म भी देगी। गुच्छी की माँ ने कहा, और ये दाखिला कराएगा कौन? बुलबुल ने कहा, ये दाखिला मेरे पापा करवा देंगे। गुच्छी की माँ ने कुछ सोचा और सोच के कहा, ठीक है मैं इसके पापा से पूछ कर बताती हूँ, और वह यह कहकर गुच्छी को लेकर घर चले गई। बुलबुल के पापा जब आए तो बुलबुल ने ये सारा बात बताया, तो पीछे से दादी ने कहा कि आज बुलबुल के कारण गुच्छी की माँ काम छोड़कर घर चले गई है। बुलबुल और उसके पिताजी दोनों गुच्छी के घर गए। गुच्छी के घर वाले बुलबुल के पापा और बुलबुल को देखकर तुरंत आश्चर्यचकित हो गए कि ये अचानक हमारे घर क्यों आ गए। बुलबुल ने कहा कि गुच्छी की माँ तुमने घर आकर क्यों नहीं बताया कि गुच्छी स्कूल जाएगी या नहीं? गुच्छी की माँ बोली कि यह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि इसे मेरे साथ कामों में हाथ बटाना है, यह पढ़ लिख के भला क्या करेगी। तब बुलबुल ने कहा, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रही हो, अभी तो गुच्छी का उम्र विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करने का है, ना कि तुम्हारे साथ काम करने का। तुम नहीं जानती बेटियों को पढ़ाना आज के जमाने में कितना जरूरी है। यह सुनकर गुच्छी बोली, हाँ हाँ मैं स्कूल जाऊंगी। इतनी बातें को सुनकर बुलबुल के पिता ने कहा, अब तो गुच्छी विद्यालय अवश्य जाएगी क्योंकि यह साहसी है और निडर है, अब गुच्छी को विद्यालय जाने से कोई नहीं रोक सकता, और उन्होंने गुच्छी का नामांकन विद्यालय में करा दिया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी समझ में आई हो। धन्यवाद।